में ट्रेन की पहली एंट्री हो रही है, देख सकते हो ये यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है आना। इतना लंबा सीढ़ी है भाई। मैं अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब कि मैं ग्राउंड के अंदर था, मतलब ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही है और मैं अंडरग्राउंड ट्रेन में मेट्रो स्टेशन में था फर्स्ट। ये लाइन वन, लाइन देखो भाई खूबसूरती देखो, ये आर एस जेवीएल आ रहा है, वाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेड डायरी, आप सबका स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे। फिलहाल तो मैं आया हूँ यहाँ पे बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर जो ब्लॉग्स बनाने जा रहा हूँ वो बेहतरीन ब्लॉग्स है, क्योंकि यहाँ पर खुला है मुंबई का सबसे पहला अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे स्टेशन, जिसे कहते हैं लाइन 3। जी हाँ, लाइन 1 मैं आपको वीडियो को बता चुका हूँ, साथ में आपको लाइन 7A का भी वीडियो मैंने डाल चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक में, आपको अगर आपको देखना लाइन 7A का। फिलहाल तो बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया खुल के, वो 2023 में खुला था और ये है 2024 और 5 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई है। इसका इनॉग्रेशन किए थे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और ये 5 अक्टूबर को खुल चुका, आज है 7 अक्टूबर तो उस वक्त किसी को शायद एंट्री नहीं थी, आज सबको एंट्री मिली हुई है। 28 सितंबर को सबको ऐसा ट्रायल बेसिस अंदर जाने दे रहे थे, मगर खुले तरीके से अभी फुल ऑन तरीके से आपको अंदर जाने दे रहे हैं, मतलब आप अच्छा खासा ट्रैवल कर सकते हो। और फिलहाल तो ये लाइन 3 है, यहाँ से स्टार्ट होता है BKC बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से और एंड होगा RAJVLR पे, मतलब ये 9 स्टेशन है, अंडरग्राउंड 9 स्टेशन है जहाँ 33 किलोमीटर बनाया गया है, मतलब 33 किलोमीटर का पूरी यात्रा होगी अंडरग्राउंड और बाद में जाके ये एकदम ग्राउंड लेवल पर आ जाता है जो है RAJVLR। तो फिलहाल तो मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा, मेरे साथ बने रहना, टिकट्स कितना है वो बताऊंगा, अंदर जाने के बाद कितनी कनेक्टिविटी है वो बताऊंगा, कहां पर कौन सा स्टेशन इंटरलिंक होता है वो बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहना, मैं आपको लेकर चलता हूं, पूरा जानकारी देता हूं मेट्रो लाइन 3 का मुंबई का। टिल देन मिलते थोड़ी देर में, थैंक यू। सो यहाँ से स्टार्ट होता है मेट्रो अंडरग्राउंड के लिए, चलते हैं लेवल 1 पे, देखते हैं क्या कैसा है, लोगों ने स्टार्ट किए हैं और ये है बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC। सो अभी ग्राउंड लेवल पे जाना है तो हमारा सबसे पहला यात्रा होने जा रहा है अंडरग्राउंड लेवल पे। मैंने कभी यात्रा नहीं किया, दिल्ली वैली में बहुत ट्रैवल किया, वहाँ पर भी अंडरग्राउंड कभी नहीं देखा था। फिलहाल देखते हैं कितना टिकट्स है, क्या फेयर है, मैं आपको टोटल दिखाता हूँ, मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर टिकट ऑफिस आपको मारना है, किधर जाना है भाई टिकट ऑफिस के लिए, A1। ओके, यहाँ से टर्न लेके यहाँ पर आना है और कुछ अच्छी इस तरीके से लोग ने चार्ट्स वगैरह लगाए, मतलब जो जो काम किए थे मेट्रो स्टेशन का देख सकते हो आप, जैसा जैसा अंडरग्राउंड मेट्रो का काम हुआ था। ये स्टाफ से मेरे ख्याल से मेट्रो स्टेशन के, तो टोटल फोटोज़ दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, पहले है तो बहुत सारा और यहाँ से दिखाता हूँ टनल्स के जो अंदर काम किया गया था, ये देख सकते हो टनल के अंदर ऐसा काम किया गया था। वाह, फिर ये मेट्रो है हमारा, ये वहाँ के स्टाफ, हेड्स ऑफ टू देम, क्योंकि इन लोग की ज़्यादा मेहनत होती है। और अभी यहाँ से हम नीचे उतरेंगे और नीचे उतरना, ये मेरे ख्याल से ऊपर एक फर्स्ट लेवल 1 पे जाना है हमको। 1 कुछ इस तरीके का है, दोनों तरफ ये लिफ्ट का भी सुविधा है और टिकट ऑफिस एकदम सामने है। यहाँ पर भी बहुत सारे बोर्ड्स और चार्ट्स वगैरह लगा हुआ है, देख सकते हो लाइन से, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैप, देख सकते हो टनल कितनी जितना मेहनत की बेचारे लोग ने, इसके अंदर से भी देख सकते हो यहाँ से, तो यहाँ पर आप मैप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट होता है BKC से सेंटा क्रूज से आपको विद्यानगरी भी एक स्टेशन आता है, मगर इसमें नहीं बताया गया, आई डोंट नो, T1 और T2 मतलब एयरपोर्ट के बीच में ये पड़ेगा आपको सहार रोड पड़ेगा, फिर इसके बाद टर्न लेके आता है मरोल नाका, फिर आएगा अंधेरी MIDC शिप्स और फिर ये आएगा RAJVLR। टिकट्स कह रहे हैं बता दो, आपको टिकट्स यहाँ पर मिल जाएगा मशीन्स में जहाँ पर बारकोड्स होंगे और बारकोड मशीन में जनरेट हो जाएगा, आप ले सकते हैं और यहाँ पर सब लोग बारकोड में मोस्ट पॉबली लोग यही यूज़ कर रहे हैं। और टिकट काउंटर देख सकते हो वहाँ पर है और ये रहा सिक्योरिटी चेक और यहाँ से एंट्री अंदर जाने के लिए, तो ये रहा ऑफिस, टिकट ऑफिस।
तो ले लिया हूँ टिकट्स, और अभी यहाँ पे था सिक्योरिटी चेक में, मैं आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ, एक बार सिक्योरिटी चेक हो जाएगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेक। फर्स्ट टिकट अंडरग्राउंड मेट्रो का ₹50, और यहाँ पर स्कैन करके निकलना है बाहर। तरीके का बना हुआ है अंडरग्राउंड मेट्रो, और यहाँ पर एग्जिट लिखा हुआ है, अब जाना कहाँ है वो देखना है, B2 B3 किस तरफ जाना है। पब्लिक जा रही है, मेरे ख्याल से नीचे उतरना है, यहाँ से नीचे उतरना है, या तो मेरे ख्याल से एस्केलेटर से उतरेंगे हम नीचे। आपको बता दूँ इस तरीके का बना हुआ है, देखो कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है यार। एक वहाँ से भी एंट्री है, अपन ये गेट से गए थे, एक वहाँ से भी, मतलब बाहर से ऊपर से आएंगे तो वहाँ से भी नीचे उतर सकते हैं। हाँ अंडर का नीचे, ट्रेन नीचे से आएगा, कौन सा भी सेंटर इसके लिए, तो यहाँ से और नीचे उतरना रहेगा, एक लेवल और नीचे, तो एक लेवल और नीचे उतरना है यहाँ से, ज़्यादा ही नीचे है यार भाई। आ चुका हूँ नीचे, और इसकी टाइमिंग मैं बता दूँ आपको कि ये क्या टाइमिंग पे खुलती है, क्या टाइमिंग में, मंडे से सैटरडे तक आपको सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक खुली रहती है, और अगर संडे आएंगे हॉलीडे के दिन तो ये लेट थोड़ा खुलती है 8:30 बजे, मतलब पूरा वीक ये खुलेगी सुबह 6:30 बजे और सिर्फ संडे के दिन ये खुलेगी 8:30 बजे, मगर लास्ट ये 10:30 बजे तक रहती है। और इसके बारे में जानकर जी 8 डब्बे की कोच है, और फिलहाल तो अंदर मेट्रो में जो चार्जिंग का फैसिलिटी दिया गया है या बाइक स्टैंड करने के लिए फैसिलिटी दी अंदर बिल्कुल नहीं है, अंदर जाने के बाद आपको वो भी बताता हूँ, और आपको अंडरग्राउंड बताता हूँ, एक ट्रेन आई है एक ट्रेन को जाने दो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अंडरग्राउंड का क्या सीन है, क्योंकि ट्रेन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दूँ, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 6:40 की हर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है, हर 6 मिनट के बाद एक ट्रेन आती है यहाँ पर, तो 6 मिनट मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ से। आगे मतलब तो मैं एकदम आगे से दिखाता हूँ, अच्छा खासा डोर दिया हुआ है, इस तरीके का डोर है, मतलब ये खुलता है इस तरीके का डोर, पैक किया हुआ है, सही है। नीचे आपको दिखा दूँ, नीचे ऐसा है, वहाँ पे क्या, वहाँ पर कांच है, वहाँ से मैं आपको टनल दिखाता हूँ, फिर ट्रेन को अभी 6 मिनट है आने में। यहाँ से देखो टनल ये है, यहाँ से टनल है, यहाँ से ये पूरा टनल बना है भाई, यहाँ ऊपर रोड है, ये ऐसा टनल है, अंदर से गया हुआ है पूरा, तो मजबूत काम किए रहेंगे लोगों ने, मतलब ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है आना, यहाँ से आएगी ट्रेन और आते आते ये टनल पे जाएगी, ये टनल है अंडरग्राउंड, बहुत एंड पे आ गया था एकदम लास्ट, मतलब ये पीछे लास्ट, यहीं से यहाँ से बंद कर देते आगे जाना, और आप देख सकते हो पीछे ये डोर लगा हुआ है, और यहीं से मेट्रो स्टेशन स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से ही अंदर ही, इसके अंदर से ही ट्रेन आती है, ये ऐसा लगा है रूम जैसा पैक किया हुआ है यार, अच्छा लगा मुझे ये देख के। तो बता दूँ कि 9 की 9 स्टेशन अंडरग्राउंड है, 30 किलोमीटर का बनाया हुआ है, और एक ही स्टेशन जो अपर ग्राउंड है, जो ग्राउंड लेवल पे है, वो है RA JVLR, मतलब वो लास्ट स्टॉप है, इसके बाद जो स्टेशन ये लोग चालू करने वाले हैं, मैं उसके बारे में भी जानकारी आपको दे दूँगा, बने रहना हमारे साथ, बस ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। ये अंडरग्राउंड में ट्रेन की पहली एंट्री हो रही है, देख सकते हो ये यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है आना, काफ़ी स्लो आ रही है यार, टोटल 8 कोच है इसमें। यहाँ से वो मेरे ख्याल से ये डोर फुल ओपन होगा, ओह सुपर जबरदस्त यार। तो ये पहली एंट्री है मेरी, हमारे लेडीज़ कोच है मेरे ख्याल से, और सामने ही आपको ये लेडीज़ कोच है, ये रेड लगा हुआ है लेडीज़ लोग के लिए, और सामने आपको दिख जाएगा पायलट जो ट्रेन चलाते हैं यहाँ पर, लोकल पायलट, और ये रहा ट्रेन का डब्बा, मगर यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं दी गई है, चार्जिंग वार्जिंग की फैसिलिटी आपको नहीं दिखेगी, एक CCTV कैमरा हर जगह लगा हुआ है, आप देख सकते हो CCTV कैमरा, और इस तरीके का ये ट्रेन है, इस तरीके का ट्रेन है, मगर यहाँ पर जो साइकिल जैसे स्टैंड था या चार्जिंग पॉइंट था यहाँ पर कुछ नहीं है वैसा कुछ, अंडरग्राउंड ट्रेन इस तरीके की बनी हुई है। तो फिलहाल तो ये डोर हो गया है क्लोज, और अभी थोड़ी देर में ट्रेन निकलेगी, और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से ये जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है वो आएगा शायद सेंटा क्रूज,
तो सैंटा क्रूज पे स्टॉप होगी, फिर उसके बाद कौन सा स्टेशन आने वाला वो भी इसका जानकारी दूंगा, तो मैं बने रहना मेरे साथ। और मैं बैठा हुआ सबसे आगे कोच में, सबसे पहले डब्बे में, मतलब यहाँ से चलेगी, तो चल रही है ट्रेन। तो ये देख सकते हो वो डोर खुला और वहाँ पर पायलट गया, तरीके का बनाया हुआ है। मैं एकदम ही फ्लाइट लेके दिखा दूँगा आपको अंडरग्राउंड का। अरे मेरा भाई क्या भयानक स्पीड पकड़ी यार भाई, देखो ज़बरदस्त आवाज़ आ रही होगी आपको, ये ज़बरदस्त स्पीड पकड़े, देखो स्पीड, देखो स्पीड, ये स्पीड अचानक ये स्पीड पकड़ ली है ट्रेन ने, फुल बुलेट स्पीड पकड़ी। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर आप आते हो टिकट्स वगैरह लेते हो, अगर टिकट में लंबी लाइन नहीं लगना है तो डायरेक्टली आप जा सकते हो मेट्रो, मुंबई मेट्रो के ऐप पे जाके आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो, आपको QR कोड जनरेट हो जाएगा, उस QR कोड के बदौलत आप यहाँ पर अगर लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधा अंदर आके स्कैन करके आप अंदर जा सकते हो। या तो अगर आप कार्ड लेते हो तो ऐसा खुद का कार्ड मत लो कि कोई भी कार्ड ले लो और मतलब कि भाई मेट्रो में चलेगा, बिल्कुल चलने वाला नहीं, यहाँ पर चलेगा। अगर CNCMC ये कार्ड होता है जो मेट्रो स्टेशन है, हर एक मेट्रो पे, मतलब जितना भी मुंबई में मेट्रो है ये सब में चलने वाला है, कॉमन कार्ड है। और एक कार्ड मिलेगा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ये दो कार्ड हर मेट्रो स्टेशन पे चलने वाला है, तो ये ज़रूर याद रखना, अगर लेना है तो ये कार्ड लेना, नहीं तो डायरेक्टली वेबसाइट पर जाना मुंबई मेट्रो के। ओके, फिलहाल तो ये स्टेशन आया हुआ है बांद्रा कॉलोनी। ओके, अभी बांद्रा कॉलोनी स्टेशन आया है। येल्लो लाइट ब्लिंक हो रही है, इसे बता रहा है कि बांद्रा कॉलोनी, यहाँ तक, यहाँ से लेके कोटक बांद्रा कुर्ला से अगर यहाँ तक आओगे तो आपको किराया है 10 रुपया। सो हम लोग पहुँच चुके हैं बांद्रा कॉलोनी, सामने देख सकते हो बांद्रा कॉलोनी है ये स्टेशन, ये बांद्रा कॉलोनी स्टेशन है, बांद्रा कॉलोनी स्टेशन है, कुछ इसी तरीके का, सब एक ही जैसा बनाया हुआ अंडरग्राउंड। नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है वो है सेंटर क्रूज, और उसके बाद ही सीधा आएगा टर्मिनल वन, मतलब टर्मिनल वन और टर्मिनल टू के बीच में आता है सहार रोड, तो सहार रोड इन दोनों के बीच में आएगा। टर्मिनल वन से टर्मिनल टू मतलब इंटरनेशनल छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपको मिल जाएगा उसमें वाला है, वो है सेंटा क्रूज, तो ये एरो दिखा रहा है सेंटा क्रूज का। उसके बाद आएगा T1, बहुत कमी पब्लिक है देख सकते हो यहाँ पर, बहुत लेस पब्लिक है। हेलो, ये आ गया सेंटा क्रूज स्टेशन, ये आ गया सेंटा क्रूज स्टेशन, लेके बाहर निकल के दिखाता हूँ, 2 मिनट में अंदर भाग के आ जाऊँगा सेंटा क्रूज स्टेशन किस तरीके का, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ से। सो ये है सेंटा क्रूज स्टेशन, तो आपको दिखा दूँ ये रहा सेंटा क्रूज स्टेशन, इस तरीके का सेंटा क्रूज स्टेशन यहाँ पर सजाया गया है, अमेरिका से मोदी जी इधर इसी साइड आए थे। चलते हैं अंदर, आने वाला है CSMI, मतलब ये है एयरपोर्ट टर्मिनल वन। देखो ना, आपको इसी से अंदाज़ा हो रहा कि क्या हाई क्लास स्पीड है इसकी। सो मैं आपको बता दूँ T1 और T2 के बीच में आता है सहार रोड, मतलब अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपको दोनों ही नज़दीक कर दिया अंडरग्राउंड, मतलब हार्डली आपको 5 मिनट्स लगेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचने या डोमेस्टिक एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। और दूसरा ये कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर T1 से बहुत सारी लाइन कनेक्ट होने वाली है, अभी फिलहाल तो चालू नहीं हुई है, मगर ये रेड लाइन और येल्लो लाइन एंड ऑरेंज लाइन, तो इस सब का काम चालू है और ये फुल फ्लेज में चालू होने वाला है। जो एक लाइन चालू होना है शिप से लेके कोलाबा तक का जो लाइन चालू होने वाला है, वो लाइन चालू होगा मेरे ख्याल से इसी महीने से दिसंबर के लास्ट एंडिंग में चालू होगा, या तो ये 2025 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है ये लाइन। तो अभी इसकी पूरी जानकारी इतनी ही मिली है कि ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट होने वाला है। तो ये और बहुत सारी लाइन इंटरकनेक्टेड होगी, मगर T1 से 3 लाइनें आ रही हैं फिलहाल। तो मरोल एक ऐसा जंक्शन है, मरोल क्या आएगा तो मरोल के बारे में भी मैं बता दूँ, फिलहाल अभी T1 पहुँचने वाला हूँ तो बाहर निकल के बताऊँगा कि T1 किस तरीके से लोगों ने बताया। इसे लोगों ने एकदम फायर एक्सटिंग्विशर रखे, मतलब सेफ्टी का भी ध्यान काफ़ी रखे हुए हैं, मतलब देख सकते हो सीट्स वगैरह, देखिए ये मेरे ख्याल से फाइबर की सीट्स हैं और वैसे ग्लास वगैरह लगाए हुए हैं, सब फाइबर्स के सीट, चारों तरफ फाइबर्स की सीट है। ये है CSMI एयरपोर्ट T1, टाइमिंग के साथ आता है भाई, अक्टूबर 7, 2024। तो ये आ गया T1, ये है T1 का कुछ आप बाहर से देख सकते हो, ये है T1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, T1 मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो नेक्स्ट है वो है सहार रोड, मतलब ये T1 और T2 के बीच में है, शॉर्टेड एयर, मतलब आपको सेकंड में टाइमिंग भी बताएगी कितने मिनट में पहुंचने वाली है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कफ परेड से स्टार्ट होते हुए जाएगी, ये कफ परेड से लेके ये आर्य तक का है लास्ट,
और जो गाड़ी स्टार्ट होगी वो शिप से लेके कपरे तक की जो लाइन स्टार्ट अभी स्टार्ट नहीं हुई वो स्टार्ट होगी, मगर अभी फ़िलहाल जो स्टार्ट है वो लाइन अपना कोटक बीकेसी से स्टार्ट है और बीकेसी से आरे तक का है। अब नेक्स्ट स्टेशन जो आने वाला है वो सहार रोड, बाहर निकल के दिखाता हूँ सहार रोड कैसा है। तो सहार रोड आ गया, तो बाहर निकल के बताओ सहार रोड इस तरीके का स्टेशन है सहार रोड, ये सहार रोड स्टेशन है। वहाँ से मेरे ख्याल से वो भी बंद है, वो चालू होने वाली है। ये आया हुआ है SBI CSMI टर्मिनल टू आपको दिखाता हूँ बाहर से कैसा है। तो आ चुके हैं हम लोग टर्मिनल टू के पास और ये है टर्मिनल टू, देख सकते हो टर्मिनल अच्छे से काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इसका टाइलिंग वाइलिंग है। ये डोमेस्टिक है और टर्मिनल वन है वो इंटरनेशनल है। ओके अच्छी बात, ये जो टर्मिनल वन ये है इंटरनेशनल, ये है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल वन, और टर्मिनल टू है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो हमें इससे पहले वो कन्फ्यूजिंग हो गया था मेरे साथ। गोपाल भाई हमारे ट्रेन में उनसे मुलाकात हो गई और उनका नीचे आपको लिंक दे देता हूँ, उनके भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उनके चैनल का नाम है भाई एक बार बताइए, गोपाल के चैनल के थ्रू। ऐसे तो मेरा लाइफस्टाइल चैनल है बट इतना मैं कोई अपेयर रहता नहीं हूँ इस, अगर रहेंगे इंशाल्लाह बहुत कम है। 60-65 वीडियोस मैंने अपलोड कर चुके हैं अभी तक, क्योंकि 2011 से मेरा चैनल है। अभी लकीली एक चांस मिल गया और भाई भी मिल गया, तो मैं शॉर्ट आउट के लिए आपको बोल दूंगा कि शॉर्ट आउट देना करके इकबाल ब्लॉगर VLOGGER भाई ने लिखे डाल देंगे, मैं भी इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करूँगा और प्लस शॉर्ट आउट भी डालूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं। स्टेशन आ रहा है मरुल नाका, तो मरुल नाका की एक खासियत बता दूं आपको, पहले ये स्टेशन आ जाए स्टेशन के बारे में बताओ, फिर इसे आपको मरुल नाके के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो मरुल नाका से भी जो लाइन वन है वो जुड़ती है, मतलब आपको यहाँ से एकदम इंटरकनेक्टेड है, तो अगर आपको चेंज करना है मरुल नाका से घाट के ऊपर वर्सोवा या कहीं फिर भी जाना है तो आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, और फिर वहाँ से आप दूसरे लाइन भी लाइन 7A भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो बहुत सही है, यहाँ से बहुत शॉर्टेज है मरुल नाका से इंटरकनेक्शन के लिए बहुत अच्छा है मरुल नाका। मरुल नाका के बाद अब आने वाला है MIDC अंधेरी, फिर अंधेरी के बाद आएगा शिप्स के बाद आएगा लास्ट स्टेशन। लौटते वक्त आपको दिखाऊंगा मरुल के अंदर इंटरकनेक्शन कैसा है, क्योंकि मुझे चेंज करके घाट के ऊपर उतरना है। MIDC तो ये MIDC का स्टेशन इस तरीके का है, पब्लिक देख सकते हो काफ़ी रश है यहाँ पर, चलते हैं अंदर नहीं तो दरवाज़ा हो जाएगा बंद। लास्ट स्टेशन शिप्स, और शिप्स के बाद ये आ जाएगा अपर ग्राउंड पे, मतलब ये ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। अभी फिलहाल अंडरग्राउंड से ग्राउंड लेवल पे आने के लिए शिप्स के बाद जो आरए कॉलोनी कनेक्ट करता है ये अपर ग्राउंड पे आ जाएगा। आ गया शिप्स और ये है लास्ट स्टेशन, मतलब इसके बाद लास्ट स्टेशन आने वाला है RAJVLR, तो ये शिप्स के बाद ये लास्ट स्टेशन होगा। शिप्स मतलब अंडरग्राउंड के लिए नाव स्टेशन पूरे पड़ते हैं, नाव स्टेशन मतलब पहले मैं आपको शिप्स बता दूँ शिप्स स्टेशन कैसा बनाया हुआ है बाहर से। तो ये है शिप स्टेशन, सब एक ही जैसे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, सब देख सकते हो एक ही जैसा स्टेशन है। अब हम लोग आ चुके हैं बाहर हो गया शाम, तो ये बाहर का कनेक्शन है आप बाहर का देख सकते हो। तो हम लोग ऊपर अभी एकदम ग्राउंड लेवल पे हैं, हम लोग अंडरग्राउंड से एकदम ग्राउंड लेवल पे फटाक से आ चुके हैं, और ये है लास्ट स्टेशन आ रहा है RAJVLR, और यहीं पर होता है एंड। तो मैं आपको बताऊंगा रिटर्न आते वक्त कभी मरोल पे बताता हूँ मरोल से कैसा आपको चेंज करना है। फिलहाल तो ये मेरा लास्ट स्टेशन है और मैं कोटक तक BKC से पकड़ा था, जहाँ पर मैं आपको टिकट्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो ये देख सकते हो ये यहाँ पर आ रहा है स्टेशन, और स्टेशन भी दिखा दूँ, ये है लास्ट स्टेशन। ये आ गया लास्ट स्टेशन RAJVLR। तो ये है लास्ट स्टेशन RAJVLR। तो ये इसको फूलों से सजाया गया था, आप देख सकते हो मोदी जी यहीं से आए थे कि कहीं कहीं और से एंट्री था, मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ से आए थे कहीं और से, हाँ अच्छा BKC में आए थे क्या, ओके तो यहाँ तक ट्रैवल किए थे क्या, अच्छा यहाँ नहीं आए थे, ओके नहीं फूल से सजाए हुए इसके लिए पूछा मैंने, जी काफ़ी अच्छे तरीके से देखिए, हाँ
अच्छा पॉलिटिशियंस काफ़ी आए थे। अच्छा मेरे कहते चीफ मिनिस्टर भी आए रहेंगे यहाँ पर, यहाँ पे नहीं आया था। अच्छा 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 बहुत अच्छा नहीं बहुत अच्छा सजाया आप लोग ने, थैंक्स अ लॉट। तो देखो कितने बेहतरीन तरीके से लोगों ने सजाया। ये है आरए का JVLR और अभी मुझे निकलना है यहाँ से बाहर और फिर वहाँ से मेरे को टिकट लेके वापस मैं निकलूँगा, उतरूँगा मरोल और मरोल से इंटरकनेक्शन कैसा है वो भी आपको दिखाता हूँ। आरए JVLR देखो किस तरीके से लोगों ने इतना ज़बरदस्त सजाए हैं और इसकी खूबसूरती देखो, ये आरए JVLR है, वाह। तो ये है अभी है दूसरा दिन है मेरे ख्याल से ओपन हुए और क्राउड इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है इसके यहाँ पर, मगर धीरे धीरे ये बढ़ेगा क्योंकि लाइनें और बढ़ रही हैं और लाइनें चेंज हो रही हैं यहाँ पर। तो ये है आरए, मैं आप जूम कर दूँ, ये देखते हो आरए JVLR। ओके अब चलते हैं अंदर, मैं रिटर्न लेता हूँ मरोल पे उतरने के बाद, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ से मुझे चेंज करके घाट के ऊपर आना है। और वैसे बहुत सारे लाइन चेंज हो रहे हैं, आपको कोई भी कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हो आगे जाके जब ये चालू होगा दूसरा लाइन, तो वो वहाँ से आप इंटरकनेक्ट करके मीरा भाईंदर वाला भी लाइन 7A भी चालू हो जाएगा वहाँ से। और फिलहाल तो मैं चलता हूँ यहाँ से टिकट्स लेता हूँ। होते वक्त टिकट लिया हूँ मरोल का, मरोल का इन्होंने 20 रुपया, ओह सही है 20 रुपया तक। तो जाते हैं अपना फिर बैगिंग चेक करा के फिर अंदर रिटर्न लेते हैं। लोग का एक्साइटमेंट अच्छा लग रहा है, मज़ा आया हाँ। ये आ गया मरोल नाका, अब यहाँ से कनेक्ट करना है लाइन 3 से लाइन 1 पे जाना है मुझे, उतरना है घाट कोवर, वर्सो वाली जो ट्रेन आती है मुझे उतरना है घाट कोवर और लाइन 1 कनेक्ट होगा मेरे को, जैसे ऊपर जाना पड़ेगा सेकंड लेवल पे मेरे ख्याल से। तो आ गया मरोल नाका और अभी फ़िलहाल तो देख सकते हो इस तरीके से बनाया हुआ मरोल नाका का स्टेशन और काफ़ी छोटा गैप दिया मरोल नाका के स्टेशन पे ये। और यहाँ से हम निकलेंगे बाहर और कौन से लेवल पे जाना है ये भाई से मैंने पूछा था, ये भाई बताएंगे अभी थोड़ी देर में अपने को। वहाँ से भी एंट्री है, मतलब वो एस्केलेटर वगैरह उस तरफ से है और ये इस तरफ जाने वाली है, ये शिप्स जाने वाली और ये जाएगी BKC इस तरफ, ये BKC वाली है और ये जाने वाली है शिप्स आरए की तरफ के लेवल का है मेरे ख्याल से। ऊपर आ गया हूँ मैं लिफ्ट पकड़ के, मरोल के ऊपर का सीन दिखा सकता हूँ मैं आपको और कहाँ से कनेक्ट करना है, पहले मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा फिर बाहर से कैसे कनेक्ट करना है वो भी आपको बताता हूँ। घाट के ऊपर के लिए यहाँ से यहाँ, मतलब घाट के ऊपर के लिए ऊपर निकल के बाहर निकल के जाना होगा मुझे, तो इतना लंबा सीढ़ी है भाई, बहुत ज़्यादा ही लंबा है। मैं अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब कि मैं ग्राउंड के अंदर था, मतलब ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही है और मैं अंडरग्राउंड रेलवे मेट्रो स्टेशन में था। फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस रहा है अंडरग्राउंड का, बहुत मज़ा आया सीरियसली, बहुत अच्छा लगा। मगर मैं आपको दिखाता हूँ लाइन 1 कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, बाहर निकल के अभी मेरे को उस तरफ जाना होगा लाइन 1 के लिए। मैं आ चुका हूँ बाहर, ये है रोड, देख सकते हैं सब रोड है, बाहर आ गया, यहाँ पूछना पड़ेगा मुझे कहाँ पर है। अंडरग्राउंड मेट्रो मरोल का और यहीं से आगे थोड़ा ही बाहर निकलोगे तो सामने आपको मिल जाएगा लाइन 1 कनेक्ट कर सकते हो घाट के ऊपर वर्सो वाली ट्रेन। तो ये लाइन 1 है तो हम चलते हैं वहाँ पर क्योंकि मुझे उतरना है घाट के ऊपर। फिर एक और बार बता दूँ, ये है अंडरग्राउंड मेट्रो मरोल का, यहाँ से कनेक्ट करता है लाइन 1, तो अब उतर के लाइन 1 के लिए इजीली जा सकते हो, हार्डली वॉकिंग 1 मिनट भी नहीं लगेगा वॉक करने के लिए, सिर्फ रोड क्रॉस करना रहेगा। लाइन 1 में आप भीड़ देख सकते हो, पब्लिक जैसे छुट्टी है मरोल और साकीनाका ये सब, मतलब सोचो इतनी भीड़ यहाँ है तो ट्रेन में कितनी भीड़ रहेगी भाई। फिर चल रहा हूँ लाइन 1 के लिए और मरोल से पकड़ूंगा घाट के ऊपर के लिए। भीड़ देख सकते हो मरोल में लाइन 1 के लिए, तो भीड़ लाइन 1 की भीड़ पर सुबह टू घाट के ऊपर वाले पब्लिक के साथ जबरदस्त भीड़ बनाई है भाई, गुस्सा रहा है। ऑलरेडी 12 हुआ ही है, अभी अंदर कहते पब्लिक घुसेगी क्या, मजा वाह अच्छा खासा मसाज हो गया मेरा भाई, सब दब गया यार। ये लाइन 1 इनके जाने दे, देखो भाई मेरे घाट के ऊपर अच्छा खासा मार्केट लगा है मेट्रो स्टेशन पे, देख सकते हो अच्छा खासा मार्केट लगा है घाट के ऊपर स्टेशन पे, ये सब मिल रहा है। ये मेट्रो स्टेशन है कि भाई मेरे को मार्केट लग रहा है, अच्छा खासा स्टेशन पे मार्केट लगा हुआ है देख सकते हो। तो मैं पहुंच चुका हूँ घाट के ऊपर, पकड़ा था ट्रेन और मरोल से जो घाट के ऊपर मैं आया ना, अच्छा खासा मसाज हो गया बॉडी, एकदम दब गया था, आपने वीडियो देखा होगा वो सीन, तो एकदम ही दबा हुआ था। पब्लिक कैसे ट्रैवल करती है क्योंकि वो पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है और लोग उस वक्त ऑफिस से छूटते हैं तो लोगों के पास ऑप्शन होता नहीं, या तो लोकल ट्रेन और या तो आपको मेट्रो पकड़ना है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, भीड़ फटे रहती है, हर पब्लिक को घर जाना है। तो भाई खैर एनीवे
ये मुंबई करके लिए मैंने वीडियो बनाया था, खासकर क्योंकि ये अंडरग्राउंड मेट्रो का वीडियो था। होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं अच्छे से अच्छी वीडियो हर टाइम डालने की कोशिश करता हूँ, वीडियो क्वालिटी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे बाद मैं कोई अच्छे कैमरा लूँगा कि और अच्छी क्वालिटी हो मेरी। फिलहाल तो यही मेरा सबसे बेस्ट क्वालिटी मुझे अभी फिलहाल आ गई थी, इसके लिए इसमें बना रहा हूँ मैं। फिलहाल तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं अच्छे से अच्छे वीडियोज़ डालते रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ किसी ट्रैवलिंग या फूड रिलेटेड। माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ मिसिंग कर रहा हूँ तो आप जाके देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं हर चीज़ मेंशन कर दूँगा, टाइम टेबल और साथ में आपका कौन सी फ्रीक्वेंसी में कितने बार में ट्रेन आती है, कितने स्टेशन हैं और क्या बनने वाला, पूरा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ पर पढ़ सकते हो। इसलिए आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आप पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए और लाइक करते रहिए कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहूँ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, मिलेंगे अगली फूड या ट्रैवल ब्लॉग के साथ। थैंक यू।